तुम्हारा भाई बहुत जल्दी में रहता है, उसने बहुत ही जरूरी बात सुनी। बाबंदी बाइक से नहीं रोना। मैंने उसे छोटे और बड़े होने का वरदान दिया था, परंतु उसने सिर्फ छोटे होने का ही उपाय समझा। बड़े होने की बात उसने समझी ही नहीं। तुम मुझे समझदार लग रहे हो, तुम्हारी बातों से भी यही प्रतीत होता है। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बाबंदी आप उसको तुमने बाई तो बाले डालने का उपाय बताओ। ठीक है वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये उपाय बताता हूँ। तुम्हारे भाई को हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम लेना होगा। उनकी प्रार्थना करने भर से वो वापस से बड़ा हो जाएगा। क्या तुम जानते हो मेरे परिवार के सबसे बड़े सदस्य का क्या नाम है? मुझे कैसे पता हुआ है? आपके बताओ प्लीज। पीट बाबंदी प्लीज। लो मैं आपके पूरा डरता हूँ। तुमने अभी खुद उनका नाम लिया है। ओ अच्छा। हाँ, अब तुम ही अपने भाई को संकट से बचाओ। ओ अच्छा। समय आने पर वो तुम्हें पता चलना चाहिए। अरे बाबन देवते शैतान नाला। चिंता की कोई बात नहीं है वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ और वर देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम पवन पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे पवन पुत्र हनुमान का कुछ अंश और उनकी कुछ शक्तियां आ जाएंगी। बाबंदी तुम चुप से आपा नहीं आ रही है, मैं आऊँ तुमसे पास। मैं बस देख रहा था कि परंतु बोलने के बाद तुम भी रुकते हो या अपने भाई की तरह चले जाते हो बिना बात सुने। बाबंदी ये शक्तियाँ तुम्हें सिर्फ दूसरों की मदद में ही काम आएंगी, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है वत्स, जाओ खुश रहो, जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। दी बाबंदी। ऐसा हुआ था पापा, पापा बाई डरते नहीं।